नमस्कार दोस्तों, बात करते हैं एसीएफ एग्ज़ाम 2021 के बारे में, जो दिनांक 18 फरवरी से आयोजित होगा। 18 फरवरी से लेकर 26 फरवरी तक। तो एक अपने सेकंड पेपर है प्रवण अध्ययन, जिसका नाम है एनवायरमेंटल साइंस। तो ये इससे संबंधित वीडियो है, जिन्होंने प्रवण सब्जेक्ट ले रखा है, इन्वायरमेंट साइंस ले रखा है, तो उसके कुछ नोट्स हैं, देखिए। इकोलॉजी शब्द सर्वप्रथम बताने वाला जो व्यक्ति था वो हेकल था। ओकस का मतलब आवास होता है, लोगोस का मतलब अध्ययन होता है। परिस्थिति की परिभाषा सर्वप्रथम एनेस्ट हेकल ने दी। वातावरण और जीव समुदाय के पारस्परिक संबंधों के अध्ययन को वर्ग परिस्थिति कहते हैं। उद्देश्य एवं विषय क्षेत्र पार्क अलग अलग परिभाषा है। परिस्थिति की अनेक अध्ययनताओं के लिए संरक्षण एवं पर्यावरण की पर्यायवाची है। फ्रेडरिक ने कहा था, परिस्थिति की मात्र जीव विज्ञान की व्यवस्था का ही नहीं अधिक एक दृष्टिकोण बन गई है। मेडक इकोलॉजी मस्तिष्क की दशा है। तो कुछ परिभाषाएं हैं। इकोलॉजी के क्षेत्र जैविक अजैविक घटक, पोषण स्तर, आहार, जल उत्पादकता, स्थिरता, पादप जगत, जीव जगत, जिस प्रकार इसके अलग अलग क्षेत्र हैं। पारिस्थितिकी की शाखाएं, सबसे पहले जो शाखा है वो है सब पारिस्थितिकी। एक जीव में एक जीव या व्यक्तिगत जाति प्लस वातावरण के बीच संबंध होता है, उसे अपन सब पारिस्थितिकी कहते हैं। समुदाय पारिस्थितिकी, एक ही स्थान पर पाए जाने वाले समस्त पादप एवं जंतुओं का वातावरण के बीच संबंध समुदाय पारिस्थितिकी कहलाता है। ये देखिए, समुदाय पारिस्थितिकी आबादी, समुदाय, इकोसिस्टम, इकोलॉजी, किसी क्षेत्र विशेष की एक ही जाति विशेष के जीव एवं वातावरण के बीच संबंध, किसी स्थान पर पाए जाने वाले सभी जाति के जीवधारियों की आबादियों द्वारा निर्मित जैवीय समुदाय तो वातावरण के मध्य संबंध। जीव मंडल के अंतर्गत समस्त जीवित जीव है, अजैविक भौतिक घटक सम्मिलित होता है। जीव मंडल के घटक कौन कौन से हैं? जैविक घटक, अजैविक घटक, ऊर्जा संघटक। ये देखिए, ये जल मंडल है, ये स्थल मंडल है, और ये जीव मंडल है, ये वायुमंडल है। जैविक संगठन के स्तर अणु, कोशिका, उत्तक, जीव, जनसंख्या, समुदाय। जैव मंडल पारिस्थितिकी तंत्र, बायोम से जैव मंडल, इकोसिस्टम से जैव मंडल। यहाँ अलग अलग परिभाषा लिखी हुई है। जैविक समुदाय एक क्षेत्र में विभिन्न जनसंख्या समूह की संख्या एक साथ रहकर अंतर्क्रिया करती है, उन्हें जैविक समुदाय कहते हैं। प्रजातीय संरचना होती है, अतः प्रजातीय संरचना बदलती रहती है। समुदाय की विशेषताएं, प्रजातीय संरचना, किस समुदाय में वर्ष भर उपस्थित पौधों की कुल संख्या प्रजातीय संरचना के स्थान के अनुसार बदलती रहती है।
ऋतुओं के अनुसार ही प्रजातीय संरचना में परिवर्तन होता है। प्रभाविता प्रत्येक प्रजाति अन्य प्रजाति की संख्या व जैव भार को प्रभावित करती है। समुदाय का नामकरण पर्यावरणीय कारणों के आधार पर किया जाता है, जैसे मरुस्थलीय समुदाय, समुद्री समुदाय। प्रजातीय विविधता समुदाय की विविधता का निर्धारण उसकी प्रजातीय विविधताओं के आधार पर किया जाता है। उदाहरण के लिए सर्वाधिक विविधता वाला समुदाय उस कटिबंधीय वर्षा वन है और दूसरा प्रबाल भीति। मरुस्थल व ज्वारनन मुख से सबसे कम विविधता वाला समुदाय होता है। आवास स्थान के आधार पर पारिस्थितिकी वर्गीकरण जलीय पारिस्थितिकी स्थलीय पारिस्थितिकी। जलीय देखो स्वच्छ जल, समुद्री जल। स्वच्छ जल में तालाब आता है, स्ट्रीम आता है, नदी आती है, और समुद्री जल है वो सर्वाधिक स्थायी है इकोसिस्टम। तो प्रश्न पूछ सकते हैं सबसे समुद्र जल में स्थायी कौन सा है, तो समुद्र जल है। स्थलीय पारिस्थितिकी घास वन मरुस्थल फसल। वर्तमान पारिस्थितिकी वर्गीकरण उत्पादन सूक्ष्म जीवी जाति आबादी विकिरण समुदाय प्रदूषण स्थान इकोसिस्टम। गहन पारिस्थितिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग एनिनेंस ने किया था। सामुदायिक अंत्यक्रिया धनात्मक ऋणात्मक। दोस्तों ये इन्वायरमेंट स्टडी से संबंधित नोट्स हैं जो मैं आपको वीडियो के माध्यम से बता रहा हूँ। एक बार यहाँ से आप इसको पढ़ लीजिएगा। बहुत ही अच्छे नोट्स हैं ये। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कंप्लीट उसके नोट्स बता दूंगा। यह इसका फर्स्ट वीडियो है। प्रकाश के आधार पर पादप वर्ग प्रकाश प्रिय छाया प्रिय, इनको आप अच्छी तरह से पढ़ लें एक बार। धन्यवाद दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।